नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिब्बे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर के एक दिन प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के अलग ही अंदाज देखने को मिले, जहां वो नरसिंहपुर के ब्रह्मकुंड घाट पर आयोजित सांस्कृतिक भोज में सम्मिलित हुए और उन्होंने जमीन पर बैठकर दोनों पत्तल में पारंपरिक भरता बाटी का जमकर लुत्फ उठाया और खुद भी सैकड़ों लोगों के अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। मीडिया से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम सभी को राम जन्मभूमि के जल्द फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आगे की नीति तय होगी। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कार्यशैली को जनहित विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली जनता के हित में नहीं है। खुद पत्तल उठाई है, खाना भी परसा है उन लोगों को जिन्होंने खाना बनाया है, क्या कहेंगे इसलिए? नहीं, इसमें अलग से कुछ नहीं है। मेरे जीवन में मेरे ख्याल से मेरा कोई मित्र सहयोगी या संगठनात्मक किसी भी काम में पत्तल उठाने का काम हमारे हिस्से में रहा है। अब तो जो उठाने नहीं देते हमको तो खुद की ही उठा पा रहे हैं। न्यायालय के मामले में किसी रणनीति की बात होनी ही नहीं चाहिए। हम न्यायालय पर हमारा विश्वास है, सारा हिंदू समाज, हमारी सरकार, हम सब न्यायालय के निर्णय के इंतजार में हैं। हम तो जल्दी फैसला चाहते हैं, एक देश का हर नागरिक चाहता है। इसमें सरकार की कोई राय नहीं होती है सर, हम तो न्यायालय के भरोसे हैं। हमारा जो पक्ष है या जो हमारी राय रही है, जो हमारा इतिहास है, हमारी जो श्रद्धा है, उसके आगे कोई चीज़ें टिकती नहीं है। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार सफल संभावनाएं हैं, नरसिंहपुर जिले में भी अपार संभावनाएं हैं, तो इस तरह किस तरीके से कार्य योजना बनाई जा रही है? देखिए, कार्य योजना का खुलासा तो मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन ये सच है कि बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश या माँ नर्मदा के किनारे के बहुत सारे अंचल हैं जो अभी अछूते हैं। ASI के पास में ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं जिनकी सूची में नहीं है। मुझे लगता है जो संख्या आज है वो अगर 10 गुनी भी हो जाएगी देश में, जितना संपदा हमारे पास है, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, की शैली का संगीतकार, नृत्यकार, हमारा 100 साल पुराना वृक्ष, 100 साल पुरानी घरों की चीज़ें, हम उन सबको कल्चर मैपिंग में शामिल करने वाले हैं। सर, एक क्वेश्चन और, प्रदेश में कमलनाथ सरकार है, जो 5 साल टिक पाएगी सर? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो काम करने की शैली है, वो काम करने की शैली राज्य के लिए हितकारी नहीं है। कोटेगांव की धरती का ये प्रताप है, आपको यहाँ व्यसन नहीं मिलेगा जो यहाँ मेरे साथ चाहे सामने कार्यक्रम में आए और चाहे बाकी लोग मिले। स्वच्छता के प्रति उनका उनकी प्रतिबद्धता मुझसे कहीं ज़्यादा है, सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मैं दावा करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा है। इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी काम सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होता बल्कि कंक्रीट ही होता रहा है। और इसलिए मैं फिर कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो सही कहा है, आने वाली पीढ़ी को हम नशे के से मुक्त रखें, ये संकल्प के साथ काम करिए, तब कर पाएंगे जब आप खुद नशे से दूर होंगे। दूसरी बात आती है स्वच्छता की बात है जो हम करते हैं, तो अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है तो पहले खुद से शुरू करिए। और अगर तीसरी बात जो बाकी उनने कही है तो उसके बारे में हम तय करें कि, और ये भ्रष्टाचार मुक्त का समाज बनाना है तो कोई जनप्रतिनिधि या नेता या कोई अधिकारी या तो स्वयं ईमानदार नहीं होगा तो किसी को कह नहीं पाएगा, नहीं तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उनने सबको कसौटी पर कसा है और जिम्मेदारी सबकी है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएं, आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाएं, देश को स्वच्छ रखें। मुझे लगता है ये नैतिक धरातल पर बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।